दोस्तों बात करने वाली रामा स्टील के स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप देखोगे रामा स्टील टू बी स्टॉक भाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था पिछले एक महीने में। अगर आप देखोगे तो शेयर भाई बहुत तगड़ी रैली के साथ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे जब से कंपनी ने दो बड़े अनाउंसमेंट करी है रिन्यूएबल एनर्जी भाई डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो भाई आप देख लो कि ताबड़तोड़ रैली यहाँ पे नजर आ रही है। दो दिन तो लगातार स्टॉक ने कंटिन्यू 20% के अपर सर्किट यहाँ पे दिखाई, लगभग देखोगे तो 50-60% तक की रैली स्टॉक ने दिखाई। एंड अभी के टाइम आज देखोगे तो 10% का जो लोअर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो बड़े अपडेट हमारे रेल स्टॉक के रिलेटेड आए हैं। पहला है यहाँ पे एनएससी को लेकर, एनएससी ने कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। एक तो सर्किट फिल्टर कंपनी का घटा दिया है, जो पहले 20% का देखने को मिल रहा था वो अभी के टाइम में 10% का आ चुका है। वही स्टॉक को भाई एएसएम स्पष्ट में भी डाल दिया गया, जिस प्रकार ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे नजर आ रही है बैक टू बैक सर्किट लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे एएसएम स्पष्ट में डाल दिया गया। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, क्या गिरावट होगी? देखिए सबसे बड़ी चीज आप समझिए कि जिस प्रकार कंपनी ने दो बड़े अनाउंसमेंट करें उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। आगे जाके क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में आप देखेंगे कि कंपनी अच्छा करेगी। मतलब यहाँ पे क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्म अच्छा रहेगा, यहाँ से मैं कंपनी वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो ये जो अपडेट वगैरह ये जो एक्शन वगैरह है ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म बेसिस में आपको ऐसे रेट करते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर अपन रखे फाइनेंस के अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग तो आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब अपना पैसा बन सकता है। जैसा कि आज आप डाटा देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना वीक हमें देखने को मिल रहा है। अगर सीधा कहीं लोअर सर्किट लगने के पीछे क्या वजह, तो प्रॉफिट बुकिंग भी है, वही ये दो रीजन भी है जो कि एनएससीबीएसई ने यहाँ पे लिया है कि स्टॉक में आगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना दिखे, रिटेल का लॉस ना हो। देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे 84 पॉइंट का अच्छा खासा बाउंस आज हमें लास्ट मोमेंट में देखने को मिला, रिकवर हुआ मार्केट। एंड भाई आप देखोगे शेयर के अंदर हमें अराउंड 23 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम नजर आई है, 353 करोड़ का ये कारोबार देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 35% शेयर में यहाँ पे डिलीवरी में देखने को मिल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि बेटर डाटा जो कि आगे के लिए सही संकेत है कि डिलीवरी स्टॉक में भी अच्छी है। एंड अपर बैंड लोअर बैंड की अगर बात करें तो स्टॉक का जो लोअर प्राइस बैंड है वो हमें भी टाइम 10% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड वोलेटिलिटी इससे थोड़ी घटेगी एंड यहाँ पे जो भाग रहा है डेली बेसिस वो थोड़ी सी तेजी की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। क्योंकि आज का अगर इंट्राडे हाई की बात करूँ मैं तो भाई देखिए शुरुआत में स्टॉक भाई ओपन हुआ था यहाँ पे 16 पिचासी के ऊपर, जो कि कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। वही स्टॉक ने हाई क्रिएट किया 17.55 का, जो कि अगर मैं सीधा कहूं तो भाई लगभग स्टॉक का आज का बाउंड भी का आप कह सकते हो कि 9 सितंबर को कंपनी ने अपना बाउंड भी हाई क्रिएट कर दिया जो कि 17.55 का देखने को मिल रहा है। लो की अगर बात करूं मैं तो जो आज का एंट्री लो है 14.86 का, जो कि लोअर सर्किट में ये क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें एमओ की तो कोई भी बड़ा सेल या बाइंग ऑर्डर के टाइम नजर नहीं आ रहा है। एंड आप देखोगे कंपनी का जो पी रेशो 84 के पी पे भी ट्रेड कर रहा है। मेन चीज यहां पे बात करें तो देखिए जैसे ही खुला पहले बाइंग ऑर्डर लगा हुआ था फ्राइडे का, तो जैसे ही खुला बाइंग आई उसके बाद इतनी बाइंग नहीं थी, सेलर ज्यादा थे, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ज्यादा थे। तो आप देख लीजिए शेयर में हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब लोअर सर्किट कहां तक जाएगा ये कुछ चीजें हैं वो मैं आपको यहां से समझाने वाला हूं, तो चीजों को आप ध्यान से समझिए। पहले मैं बात करता हूं रिटर्न के बारे में कि कितना रिटर्न ये दे चुका, क्योंकि रिटर्न के अकॉर्डिंग ही यहां पे ये समझ आता है कि कलेक्शन कितना आएगा। तो यहां पे आप देखिए आज 10% की गिरावट है एंड पिछले 5 दिन में देखोगे अगर हम 10% की गिरावट को भी कैलकुलेट करें तो भाई कम से कम यहां पे 52% की रैली दिखा चुका पिछले एक वीक के अंदर। एंड आप देखोगे 41% की तो पॉजिटिव है एंड इसमें से भाई मतलब यहां पे 10% गिर भी चुका, अगर इसको इंक्लूड करें तो आप देख लो 50% तक की रैली है। एंड पिछले एक महीने में आप देख लो अभी 36% की रैली के साथ पॉजिटिव नजर आ रहा है। एंड पिछले अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 16% है, पिछले एक साल में अगर देखोगे तो लगभग 13%, मतलब ज्यादा रैली स्टॉक ने नहीं दिखाई है। हमें ज्यादा रैली कहां दिख रही है पिछले 5 दिन में, चाहे एक महीने में ज्यादा लग रही है, बाकी यहां पे ज्यादा रैली नहीं आई है। तो चांस है कि अभी और ऊपर जाए प्रॉफिट बुकिंग दिखा गए, क्योंकि जिस प्रकार के अनाउंसमेंट हमें नजर आ रहे हैं अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ये शेयर रिएक्ट करेगा। एंड यहां पे जिस प्रकार की जो तेजी आई है कंपनी का जो पी रेशो अभी के टाइम यहां पे आप देख लो 56 का देखने को मिल रहा है एंड वहां पे एनएससी की वेबसाइट पे 84 का पी देखने को मिल रहा था। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करूं मैं तो मार्केट कैप अभी के टाइम भाई 2.31 करोड़ का मार्केट, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2500 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आ चुका है।